क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है। द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक बक्से का, एक रेक्टेंगुलर बक्से का लीड मतलब ढक्कन जो है उसका लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, जो बड़ा दिया रहेगा, जो बड़ा नंबर होगा वो लेंथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो गया, और जो छोटा नंबर रहेगा वो ब्रेथ हो गया 10 सेंटीमीटर। इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप, मतलब उसको एक टेप से पूरी तरह से घेर दिया गया है, सील्ड किया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो फिर उस टेप का मतलब चारों तरफ से जो घेरा गया है उस टेप का लंबाई कितनी होगी, इसका मतलब है कि इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे लगभग इजी क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपली बना सकते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, हम यहाँ पे लेंथ इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर, और इसको लिख लेते हैं ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 एल प्लस बी, ये जो है ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास एल भी है और बी है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए 2 और L जो है 40 प्लस 10, इन दोनों को हम पहले ऐड कर देते हैं। तो 2 इन टू, हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 10 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 100। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर जो है तो स्टेप की लंबाई क्या होगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टेबल टॉप जो है उसका लेंथ जो दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये भी रेक्टेंगुलर है, क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम है, अगर इक्वल इक्वल दोनों रहेगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर है, ये इतना दिया हुआ है, ये पॉइंट में आप समझ सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, तो पेरीमीटर इसका टेबल टॉप का पेरीमीटर क्या होगा। यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ भी दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह से बनाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है पेरीमीटर निकालने के लिए कहा गया है और इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लेंथ इसका ले लेते हैं, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2.25 मीटर, हम इसको लिखेंगे, इस पॉइंट के बाद वाला को दिखाया नहीं जाता है, मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.50 मीटर, दोनों मीटर में ही दिया हुआ है, इसलिए कोई समस्या यहाँ होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हमें पेरीमीटर ही निकालना है, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर और फॉर्मूले को बार बार लिखिए, क्योंकि फॉर्मूला वैसे भी बच्चे लोग रट के आज के समय में याद नहीं करते हैं, तो क्या होगा, अब बार बार लिखने से आपको याद हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हो जाएगा 2 एल प्लस बी, तो हमारे पास दोनों ही है, तो हम 2 एल में क्या है 2.25 इंटू 1.50, इसको हमें कर लेते हैं। उसके बाद हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को हमें ऐड कर देना होगा, तो यहाँ पे 25 और 50 ये जो है ऐड हो जाएगा, 75 हो जाएगा 75, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.75, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आना है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो हम इसको रफ कर लेते हैं साइड में, यहाँ पे 3.75 पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, 5 2 10 हो गया, 1 बच गया, 7 2 14 15 हो गया, फिर 1 बच गया, और यहाँ पे 3 2 6 और ये 7 हो गया, तो पॉइंट यहाँ पे है 1 2, तो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2, तो यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब है कि 7.50 इतना हो गया, 7.50 लिख सकते हैं या फिर 7.5 भी लिख सकते हैं, यहाँ मीटर में दिया हुआ है तो इसीलिए हम मीटर लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर में जिस तरह से दिखाया गया उस तरह से हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप हाइफन इक्वल टू 7 मीटर, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।